मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पर विकास यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शिवपुरी विधानसभा के ग्राम गणेश खेड़ा में विकास यात्रा का रथ पहुंचा और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा क्षेत्रवासियों को लाखों रुपए की अनेक सौगातें दी गईं, जिनमें आंगनवाड़ी भवन, चेक डैम निर्माण, सामुदायिक भवन, प्रधानमंत्री सड़क, खोड़ वापावली रोड, आसापुर सीसी निर्माण, खेम खेड़ा सड़क निर्माण, सौगात आदि देते हुए कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। साथ ही केंद्र एवं प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए संबंधित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजू आताम, पूर्व विधायक प्रहलाद भारती, शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, सभी जिला जनपद संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों के साथ साथ हजारों की तादाद में लोग एकत्रित रहे। खोड़ से अवित वक्ष की रिपोर्ट। हमारी बेटियों के कन्यादान में 1,18,000 देकर अपने ही घर चलाएं। हमारे जो पूरी योजनाएं मध्य प्रदेश की चल रही है वो आज एक जीवन काल की योजना है। वो जमाना गया जब कुटीरें होती थी, पेड़ के नीचे लोग सोते थे। आज हमारा एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसकी दृष्टिकोण की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हो गई देश में। आज हमारा एक मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जिसके कर कमलों से आज तक लाखों बेटियां लाडली लक्ष्मी बन गई है।